हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड फॉर वेल्थ ट्रेडिंग एकेडमी। टुडे इज 15। काफी अच्छा दिन था और वोलाटाइल अगेन। ऐसे कल लग रहा था कि कल 14th में डायरेक्टली गैप डाउन करके निफ्टी ने 500 पॉइंट्स नीचे बता दिया था टिल 16,800 तक। एंड आज अगेन बुल एग्रेसिव हो गए। क्यों एग्रेसिव हुए, वॉर खत्म हुआ क्या, उसके रीजन सब देखेंगे कि प्राइस एक्शंस कितना कमाल का काम करता है। कल अगर आप देखोगे तो डेली में जो भी कुछ कैंडल क्लोज हुआ था वो 16,800 के ऊपर ही था, क्योंकि ये 200 डे का मूविंग एवरेज का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। ठीक है, अगर आज मार्केट 16,800 के नीचे जाता तो बेरिश होता, दैट इज स्टिल 16,400 एंड बुल यहां से एग्रेसिव हो चुका है। अगर मैंने आपने पिछले वाला वीडियो भी अगर मैंने देखा रहेगा तो मैंने हमेशा बोले कि 16,800 के नीचे ही मार्केट बेरिश है, क्योंकि 16,800 और 900 के यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ये एक दिन यहाँ पे एक फेक ब्रेकडाउन हो चुका था, अदरवाइज अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये 1, 2, 3, 4, 5 और ये आज का एक, तो 6 टाइम्स उसने सपोर्ट लिया, तो 6,800 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन था। और आज मार्केट ने गैप डाउन ही ओपन किया, गैप डाउन के बाद यहाँ पे एक रैली स्टार्ट हो गई और ऐसी शॉर्ट कवरिंग रैली आई आज, और जो शॉर्ट्स थे कल के वो पूरे ट्रैप हो गए और स्क्वीज हो गए और बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 400 पॉइंट्स अप चला गया। इसको अगर मुझे इंट्राडे में अगर देखना है, इंट्राडे का अगर आप मूवमेंट देखोगे तो मैं 15 मिनट्स में आपको लेके जाता हूँ, इसको ऑटो कर दो, 15 मिनट्स में आपको पता चलेगा कि इसने एग्जैक्टली किया क्या, क्योंकि ये प्राइस एक्शन पता होना बहुत जरूरी होता है। पहले 15 मिनट में इसने गैप अप किया, गैप सस्टेन नहीं हुआ। मैंने हमेशा बोला कि गैप थ्योरी में, अगर आपने गैप थ्योरी का वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके चेक कर सकते हो कि जब भी मार्केट गैप अप होता है और उसके 15 मिनट्स का कैंडल अगर लो चले जाता है तो वन कैन शॉर्ट, और यहाँ पे मैंने शॉर्ट किया भी, मैंने नहीं किया ऐसे नहीं बोलो, शॉर्ट किया और यहाँ पे पुट में पहला टारगेट आ भी गया था। सेम एज मैंने बैंक निफ्टी में भी शॉर्ट दिया था कि बैंक निफ्टी भी अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी में भी पहले 15 मिनट का कैंडल जाने के बाद, अगर मैं इसको 15 मिनट्स में कन्वर्ट करूँ, दिस इज माई रूल कि पहले 15 मिनट का कैंडल अगर लो जाता है यहाँ पे, ये लो चला गया फर्स्ट 15 मिनट्स का, और मैंने पुट दोनों में टेलीग्राम में भी दिया था और मेरे व्हाट्सएप पे भी दिया था। बट हुआ कैसे, जैसे ही इसने ये यहाँ पे आके कल का लो टच करने का ट्राई किया बट गया नहीं, और यहाँ पे एक हैमर बना 15 मिनट्स में, और यहाँ से एक रैली चालू हुई, और ये रैली में जब ये ऐसे कुछ होता है और ये रैली में ये पैटर्न्स है, तो ये जैसे ही इसका 15 मिनट्स का कैंडल का हाई चले जाता है देन अगेन एक रैली स्टार्ट हो जाती है। ये प्राइस एक्शन आप ऑलवेज याद रखो कि दिस मे बी अ फेक, क्योंकि ये रिटेस्ट करने आया था फिर ये जो भी कुछ था, और जैसे ही इसका ये हाई चला गया यहाँ पे एंड देन वी कैन सी द रैली टिल 200 डे मूविंग एवरेज है। और कल का जो ये ओपन था उसके बाद जाने के बाद तो फिर ये रॉकेट ही हो गया था, क्योंकि यहाँ पे जो शॉर्ट्स खड़े थे ये उन्होंने यहाँ पे एग्जिट किया और फिर यहाँ पे ये शॉर्ट कवरिंग रैली आज आपको देखने मिली। सेम अगर आप 5 मिनट्स टाइम फ्रेम में अगर देखो, क्योंकि आज क्या किया ये भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जब तक आप समझने का ट्राई नहीं करोगे तब तक आपको प्राइस एक्शन और कुछ समझ में नहीं आएगा। या हमेशा मैं हमेशा WD ज्ञान पे बोलता हूँ कि जब तक मेरा ग्रीन कैंडल का हाई नहीं जाता तब तक आप बाय मत करो, तो ग्रीन कैंडल का हाई यहाँ पे गया और यहाँ पे मेरा बाय का भी लॉन्ग का सिग्नल था 5 मिनट्स कैंडल फॉर्म में, ये था मेरा 17,000 के यहाँ पे, 17,000 के यहाँ पे ही उसने बाय कॉल दे दिया था और वहां से वो रैली स्टार्ट हुई। और मैंने हमेशा बोला कि वो एक दो टारगेट तो दे देता है एंड 17,400 पॉइंट का मूवमेंट दे दिया। मे बी अभी अगर मैं कल के लिए अगर बात करूं, कल के लिए अगर मैं बात करूं तो अभी ये जो भी कुछ कैंडल है, कैंडलस्टिक पैटर्न्स काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दिस इज लुक लाइक अ बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न, हम लोग इसको बोल सकते हैं कि एक बुलिश, स्ट्रॉन्ग बुलिश, कि ये जो रेड कैंडल था उसको खा गया, ये गैप भी फिल अप कर दिया। ठीक है, नाउ आई विल बी कॉशियस और आई विल बी स्ट्रॉन्ग बुलिश अबव ओनली 17,430 अगर ये क्रॉस करता है, उसके बाद ही मैं स्ट्रॉन्ग बुलिश हो जाऊंगा, अदरवाइज शॉर्ट तो मैं नहीं करूंगा। 17,250 के यहाँ पे अगर मुझे कल एक डीप मिलता है, ये दोनों लेवल काफी इंपॉर्टेंट है, अभी मुझे बाय ही करना, अभी मैं शॉर्ट नहीं करूंगा क्योंकि बुल्स एग्रेसिव आ चुके हैं। जो ये जो भी कुछ गैप डाउन किया और वॉर का सिचुएशन, हम लोग जब भी RBI का पॉलिसी था तभी हम लोग बुलिश ही थे, बट फिर US का कुछ
जो था वो न्यूज आ गया, फिर वॉर का न्यूज आ गया, वो दो न्यूज के वजह से यहाँ पे मुझे गैप डाउन देखने मिला, ये दो न्यूज के वजह से यहाँ पे मुझे गैप डाउन देखने मिला, और ये फिर ये बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न यहाँ पे दिखाई गया। तो आई विल बी नो शॉर्ट नहीं करूंगा मैं अभी यहाँ पे, और यहाँ पे 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में अगर मुझे ये गैप में ये जो था 17,250 के यहाँ पे और ये गैप के यहाँ पे 17,100, ये दो है, ये फिर से गैप टेस्ट करने नहीं आ सकता अभी, आया तो उसके लिए फिर से मुश्किल होगा, ये गैप के नीचे नहीं आना चाहिए। ये अगर आ भी गया गैप के नीचे देन आई विल बी बाय टिल 17,100, और इसके नीचे फिर से बेरिश हो सकता है। तो इसका जो मिडल पार्ट है 17,250, जो पहले काफी सपोर्ट का काम करता था, यहाँ पे मैं बाय का सोच सकता हूँ यहाँ पे, और 17,100 के यहाँ पे, ये दो वाइज हो रहे, और ऊपर के तरफ जब तक 17,430 क्रॉस नहीं होता तब तक मत बाय करो। ये एक बार अगर क्रॉस हो जाता है तो मेरे अपर लेवल फिक्स है 17,550, 17,750 एंड 17,900, ये थ्री लेवल्स आने वाले 2-3 दिनों में आपको दिख सकते हैं कि जिस तरीके से बुल ने एग्रेसिव बाय किया हुआ है उस तरीके से। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे ट्रेड फॉर वेल ट्रेडिंग एकेडमी के नाम से अप्रोक्सीमेटली 10,000 सब्सक्राइबर है। जैसे मैंने बोला कि 15 मिनट्स का कैंडल का लो चला गया था, तो हर एक के रीजन भी मैं देता हूँ, जहाँ पे मैंने पुट दिया था, जहाँ पे फर्स्ट टारगेट अचीव हो चुका था, आफ्टर दैट अगर आप देखोगे तो उसके बाद के जो भी कुछ रैली थी। सेम एज यहाँ पे मैंने पुट के लिए यहाँ पे कॉल दिया था मेरे सॉफ्टवेयर पेड ग्रुप में 36,900 का 420 का, जो जिसने इजीली 100 पॉइंट्स का रैली नियरली टू टारगेट्स अचीव कर दिए थे। टेलीग्राम पे फिर से मैंने पुट का कॉल दिया था बट वो एक्टिव नहीं हुआ, फिर वो कैंसिल करवाया, फिर बजाज फाइनेंस दिया, बजाज फाइनेंस ने भी रॉकेट रैली दिया, फिर मैंने ये कॉल दिया जो मैंने बोला ना कि वो हाई जब भी चला गया 17,000 का, मैंने कॉल दिया 125 पे, ये 400 तक गया था, दैट गेव द ऑसम रैली एंड बजाज फाइनेंस एंड वो दिए थे। और अगर आप पेड ग्रुप में देखे हो तो फिर बाद में मैंने कॉल का भी सिग्नल दिया था 37,200, 300 पे दिया था भाई, जो ऑलमोस्ट 1,100 तक गया था ऑलमोस्ट, ठीक है। तो दिस टाइप पे बम्पर प्रॉफिट आप जैकपॉट प्रॉफिट बुक कर सकते हो। दोज आर नॉट ज्वाइंट फ्री कॉल्स के लिए आप ट्रेड फॉरवर्ड ट्रेडिंग एकेडमी में ज्वाइन कर सकते हो, जिनको पेड कॉल चाहिए वो लोग पेड कॉल पे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो मुझे। यहाँ पे अगर अब मैं बैंक निफ्टी अगर देखूँ तो बैंक निफ्टी भी कोई सेम पैटर्न बनाया, कल जिस तरीके से उसने यहाँ से 1800 पॉइंट्स का डाउनफॉल था कल लिटरली, मतलब दैट विल बी द शॉकिंग न्यूज फॉर द इन्वेस्टर्स ऑल्सो, एंड अगेन आज फिर से वही जगह पे आके रुक गया, मतलब ऑल। और ये पैटर्न देखो तो इसको भी हम लोग बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न हम लोग बोलेंगे, और ये देखोगे तो ये चैनल्स के फॉर्म में आपका सपोर्ट लेके आ रहा है, ये अपर साइड रेजिस्टेंस था। तो अगर कल इसने ये रैली अगर ब्रेक कर ली, 38,250 का अगर जोन ब्रेक कर लिया, तो अपर साइड हम लोग 38,500, 38,900 एंड 39,200 के लेवल्स देख सकते हैं, एंड अगेन वी कैन रीच टुवर्ड्स 40,000। अगर ये चैनल के फॉर्म में अगर मैं बताऊं तो ये चैनल के फॉर्म में अगर इसका लो अगर चला जाता आज, ये लो ठीक है जो गया नहीं, दैट इज 37,000, वो गया नहीं, इसके लिए फिर अभी ये स्ट्रॉन्ग बुलिश है, बाय ऑन द डिप स्काई स्ट्रेटेजी हम लोग अप्लाई करेंगे। नाउ सिनेरियो कंप्लीटली चेंज हो चुका है 2 डेज में। आज का भी अगर सिनेरियो देखोगे, जो ये कल गैप डाउन ओपन हुआ था, ये गैप डाउन सिनेरियो को उसने कंप्लीटली गैप फिलअप करने आया, ये यहाँ पे कल डायरेक्टली यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ, ये क्रॉस करके चला गया और यहाँ पे अभी भी बाकी है। तो कल हम लोग ये 38,250 के ऊपर बाय करेंगे, फर्स्ट टारगेट मेरा 38,500 रहेगा एंड सेकेंड टारगेट रहेगा 38,900 का। तो कल इसको भी ये खा जाएगा अगर यही स्ट्रॉन्ग रैली आ गई तो, और कल अगर डायरेक्टली गैप अप ओपन होता है 38,500 के यहाँ पे, तो हम लोग थोड़ा कॉशियस हो जाएंगे, क्योंकि ये रैली 36,700 से स्टार्ट हुई है, जो 38,700, तो ऑलमोस्ट आपका 2,000 पॉइंट्स का रैली हो जाएगा, क्योंकि बैंक निफ्टी वैसे ही वोलेटाइल है। एंड अगर आप देखोगे तो पूरा वी शेप रिकवरी हो चुका है यहाँ से, और ये रिकवरी बुलिश एंगलफिंग के फॉर्म में
यहां तक जाने के लिए रेडी है, दैट इज 39,000 तक। तो कल के दिन अगर ये लेवल क्रॉस होता है 38,500, तो 38,750 एंड 39,000, ये दो लेवल के लिए हम लोग देखेंगे। अगर कल आपको फिर से ये डीप में अगर कुछ मिलता है 37,700, जो मुश्किल है आना, अगर आएगा तो हम लोग बाय करके चलेंगे, बट हम लोग अभी शॉर्ट नहीं करेंगे, अभी बाय ऑन द डीप स्काई रैली हम लोग देखेंगे। एज पर अगर सॉफ्टवेयर सिग्नल के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं, जनरली बैंक निफ्टी हम लोग 3 मिनट्स कैंडल्स यूज करते हैं, तो यहाँ पे आप देखो कि जब भी उसने ग्रीन कैंडल को क्रॉस कर दिया था, ये ग्रीन लाइन मेरा क्रॉस जब भी होता है, मॉर्निंग में मैंने यहाँ पे दिया था कि रेड लाइन क्रॉस हुआ, इसने फर्स्ट टारगेट दे दिया था मुझे यहाँ पे, फिर अभी इसने बाय सिग्नल दिया, बट हम लोग यहाँ पे नहीं, हम लोग यहाँ पे बाय करेंगे, जो दिया था मेरा 37,100 पे, और वो जाके रुका यहाँ पे, मतलब ऑलमोस्ट 1,000 पॉइंट्स का रैली दिया। दैट द ऑसम, जस्ट यू फॉलो द ग्रीन लाइन एंड रेड लाइन, दीज आर द WT GAN लेवल्स, ठीक है। तो ऐसे अगर आपको ये बम्पर एक्शन, प्राइस एक्शन और वो सब सीखना है, अगर किसी ने 45 मिनट्स का स्ट्रैटेजी भी अगर आज फॉलो किया होता तो भी आज बम्पर प्रॉफिट था। ये 45 मिनट्स का कैंडल था, दोनों साइड रैली दी, अप साइड भी बम्पर जैकपॉट रैली एंड डाउन साइड भी उसने टारगेट दे दिया था। तो ये 45 मिनट्स का भी स्ट्रैटेजी अगर किसी को जानना है, बैंक निफ्टी का जैकपॉट स्ट्रैटेजी, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ है, वो आप देख सकते हो। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, एंड दोज आर इंटरेस्टेड टू लर्न अ प्राइस एक्शन, तो कमिंग संडे से अपना प्राइस एक्शन का कोर्स स्टार्ट हो रहा है, दे कैन ज्वाइन द प्राइस एक्शन का कोर्स ऑल्सो। थैंक यू।